हेलो गाइज, दोबारा से स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू वीडियो में। एंड गाइज, जैसा कि आपने प्रीव्यू या फिर देखा थंबनेल पर, आज अपन उसी एडिटिंग ट्यूटोरियल को बताने वाला हूँ मैं। तो बने रहिए वीडियो पर, एंड चैनल पर न्यू हो तो चैनल को लाइक एंड वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। और बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो उस सभी के बाद गाइज, आपको आ जाना है इस क्राफ्टलैंड के मैप में। एंड यहाँ पर जा करके या दर पर क्लिक करके मैंने कपड़े पहन लिए हैं, तांजीरो वाले एंड बीकल एरिया पर आ चुका हूँ। एंड गाइज, आपको ले लेनी है यहाँ पर लंबरगनी, और आपको अपने एक दोस्त के साथ भी आना है, उसी के साथ ये वीडियो बनेगी। तो उसको बुलाता हूँ, वो अभी आ रहा है। एक कपड़े पहनना है, वो कपड़े पहनकर ये जो आ भी गया। तो गाइस, फिर आपको आ जाना है क्लॉक टावर। आप कोई सी भी लोकेशन पर जा सकते हो, लेकिन मेरे को क्लॉक टावर सही लगते हैं, इसलिए आप अपन ये नीचे वाली साइड रहेंगे हम, और ये अपना बंदा ऊपर जा करके खड़ा हो जाएगा। इसको AWM लेके आनी है, पहले से ही बोल देना मशीन पर से। एंड गाइस, उसके बाद आपको सिंपल भाग करके जाना है उसकी ओर, जैसे मैं जा रहा हूँ वो वहाँ पर खड़ा रहेगा बीच में। एंड गाइस, आपको उससे बोलना है लॉल दिखाए, आपके पास कोई सा भी इमोट हो वो दिखा देगा। एंड उसके बाद उसको गन निकालने की बोलना है और अपने ऊपर एम करने की, वो कर देगा गाइस। फिर आपको ताली वाला इमोट मारना है, आपके पास कोई सा भी हो उसको मार देना इमोट को। एंड इतना काम हो जाने के बाद उसको गन ड्रॉप करने के लिए कह देना है, गन उसका ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद उसको क्लियर आइटम कर देना है, अदर पर जाकर के क्लियर आइटम हो जाता है गाइस। एंड उसके बाद उसको एलिमिनेट हो जाना है, अदर पर जाकर के एलिमिनेट हो सकते हैं गाइस, बटन आता है। तो थोड़ी देर बाद वो अपने आप ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा, और गाइस थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, उसी देर में वो एलिमिनेट हो जाएगा। एंड एलिमिनेट होने के बाद आपको भाग करके जाना है और उसकी पेटी को लूट लेना है। कौन है ये लोग? हाँ गाइज, तो सबसे पहली बात, ये आपको क्राफ्टलैंड का मैप मेरी डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एंड उसके बाद दूसरी बात, आपको कैसे करके कपड़े वगैरह चेंज करने हैं सारी चीज़ें बताता हूँ। तो गाइज, लेफ्ट साइड में आपको फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके कपड़े वाले ऑप्शन पर जा करके यहाँ पर आपको एलाइट पास एंड सारे बंडल वगैरह मिल जाएंगे, तांजीरो या फिर ब्लैक मनी वगैरह बहुत सारे। तो वहाँ पर कोई सा भी आप पहन लेना है, ऐसे करके आप बंडल को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर आपको अदर वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर एलिमिनेट का ऑप्शन दिख रहा है, देखो गाइस, उस पर क्लिक करके आप एलिमिनेट हो सकते हो। मैंने भी क्लिक किया है, लेकिन एलिमिनेट होने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। एंड एलिमिनेट हो भी गया मैं। एंड रिवाइव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा से रिवाइव हो सकते हो, ऐसे करके गाइस किया था मैंने उस वीडियो में। एंड गाइस, डिफ़ॉल्ट स्टोर पर जा करके आप कोई सी भी गन सर खरीद सकते हो, आपको वहाँ दोबारा से लौट करके जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड गाइस, वैसे मैंने क्लियर आइटम किया तो अदर में ही जा करके वहाँ पर क्लियर आइटम का ऑप्शन आएगा, तो वहीं से आप क्लियर आइटम भी कर सकते हो। तो इतना काम हो जाने के बाद अपन चलते हैं अब सीधा ये सारी वीडियो को सेव करके कैपकट के अंदर। एंड गाइस, वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आपको आना है कैपकट में। एंड गाइस, कैपकट में उस वीडियो को एडिट करते हैं। पहले तो इसका रेशियो मैं कर लेता हूँ टिकटॉक, एंड उसके बाद इसको जूम कर लेता हूँ अपने हिसाब से। एंड गाइस, अपन को वही क्लिप कट करके ले लेनी है जो अपन को चाहिए, मतलब उतना सीन चाहिए उतना ही कट करके ले लेना है। तो पहले मैं इस वीडियो क्लिप को कट कर लेता हूँ, यहाँ तक मुझे चाहिए, मेरे को नीचे से भगा करके ले जाना है। तो आपको यहाँ तक चाहिए आप वहाँ से ले सकते हो। एंड गाइस, टिकटॉक वाले रेशियो में ही रखे रहना, एंड धीरे धीरे मतलब कट कर लेना अपने हिसाब से। एंड मैं सॉन्ग ऐड कर लेता हूँ, और आप भी सॉन्ग ऐड कर सकते हो, मेरा यूज कर सकते हो, मेरी वीडियो का है जो। उसके बाद गाइस, अपन बीट लगाएंगे ये सॉन्ग पर जो भी है। यहाँ पर अभी एक पिच की आवाज़ आई होगी जैसा कि आपने सुना होगा सॉन्ग में, तो वहीं पर मैंने रोक लिया। एंड बीट को ऐड कर देते हैं उस जगह पर, क्योंकि उस जगह से अपन सैचुरेशन माइनस करेंगे, इसलिए एकदम ब्लर इफेक्ट लगेगा। तो वहाँ पर अपन पहले वाले पीक ढूंढ लेते हैं यहीं पर है, तो यहाँ पर ये ऐड बीट कर देते हैं गाइस। एक और पीक है यहाँ पर ख़त्म करनी है, ये रही वो, तो इस पर भी अब अपन ऐड बीट करेंगे। एंड उसके बाद अपन ऐड बीट करेंगे यहाँ पर, ये गन की साउंड आ रहा है वहाँ पर, ऐड बीट यहाँ पर एक कर देंगे। एंड उसके बाद प्ले करके देखते हैं कैसा बिल्कुल बीट है जो कि सही है। तो फिर उसके बाद गाइस, आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आप बीट ऐड कर लोगे उसके बाद फिर आपको जो वीडियो का अननेसेसरी पार्ट है, वहाँ पर मेरा कैरेक्टर बहुत ज़्यादा देर तक खड़ा रहता है, उस वाले पार्ट को अपन पहले वीडियो में से डिलीट करेंगे। यहाँ पर ये लॉल स्टार्ट होगा उससे पहले ही थोड़ा, तो ये वाले पार्ट को डिलीट कर लेते हैं। एंड ये सॉन्ग के हिसाब से फिट हो जाए, इसलिए ये यहाँ तक इसने लॉल मारा और यहाँ तक इसने गन स्विच करी। गन स्विच के बाद आपको सैचुरेशन वाले इफेक्ट लगाना है, तो पहले जो इसको है इसको थोड़ा सा जूम करके डिलीट कर देते हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पर अपन को छोटा और क्लिप चाहिए। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर मैं गया, ये इसने लॉल मारा एंड यहाँ पर गन निकाली, और ये बिल्कुल ही सही है। एंड यहाँ पर अपन को ऊपर वाली क्लिप में एक स्प्लिट मारना है बिल्कुल बीट के बिल्कुल जस्ट ऊपर। एंड गाइस, आप वहाँ पर स्प्लिट मार करके आपको कुछ नहीं करना है। एंड आपको आ जाना है ये ऑरा वाले पार्ट पर, जहाँ पर भी अपने इमोट मारा था, तो उस इमोट वाले पार्ट पर ये जो इमोट का जो ऑरा है वो देखना नहीं चाहिए मतलब वीडियो में। तो पहले इस वाले पार्ट को अपन डिलीट कर लेते हैं, मेरा कहाँ तक
इमोट स्टार्ट हुआ तक वहाँ तक आपको भी कर लेना है, ऐसा मतलब जो ओरा होता है इमोट का वो आपको डिलीट कर देना है। दोबारा से प्ले करके देखता हूँ एकदम सही है ये इमोट, उसी टाइम पर मार रहा है, कोई भी ओरा शो नहीं कराना है। एंड गाइस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये लास्ट वाली जो बीट है उनको भी सेट करना है क्लिप कर करके। एंड ये अपन देख पा रहे हैं ये इसने गन ड्रॉप किया, तो गाइस ये जो गन ड्रॉप किया है इसने तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस वाले पार्ट को अपन को डिलीट करना पड़ेगा। ये गन जो शो हो रही है गिरते हुए इसको डिलीट करते हैं। सबसे पहले तो ये पीछे वाली साइड से मैं डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ से ये हट जाएगा। एंड अब देखते हैं दोबारा से रिपीट करके क्या वो गन अपन को दिख रही है स्पीड पर या फिर डायरेक्ट अरे दिख रही है थोड़ा बहुत, तो थोड़ा सा और पीछे की साइड से इसको अपन कट कर देते हैं ताकि ये दिखे ना बिल्कुल भी। एंड यहाँ पर मैं थोड़ा सा ही कट किया है ताकि मतलब थोड़ी देरी दिख रही थी इसलिए, तो उसके बाद अपन दोबारा से रिपीट करके देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर दिखी या फिर नहीं, आगे की साइड से थोड़ा सा और कट ले लेते हैं क्योंकि गाइस हल्की सी दिखी थी बिल्कुल, तो इसलिए आगे की साइड से अपन बिल्कुल मामूली सा कट लेंगे एकदम छोटा सा। आपको भी ले लेना है अगर आपका भी मतलब ऐसा थोड़ा बहुत इशू हो रहा हो तो गन ड्रॉप होने का। एंड गाइस उसके बाद आपको उस वाले पार्ट को डिलीट कर देना है। एंड गाइस दोबारा से प्ले करके देखते हैं तो इस बार बिल्कुल भी नहीं दिखी, तो एकदम परफेक्ट वीडियो बना है। तो इस बीट पर अब अपन को जो ये बीट लगाई है अपन बीट के ऊपर जो कट है, तो गाइस उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, आपको जो पीछे वाला पार्ट है गाइस ये जो दूसरी वाली बीट है उसको गाइस एडिट करना है ये मरने वाली को। तो पहले मरने वाला पार्ट अपन ले लेते हैं यहाँ से कट करके, जो बीच वाला अननेसेसरी उसको डिलीट कर देते हैं। एंड उसे करने के बाद आपको ये स्प्लिट से एकदम अरे थोड़ा सा देर में मर रहा है, तो गाइस उससे पहले अपन को थोड़ा सा पार्ट को डिलीट करना पड़ेगा आगे से। ये अपन छोटा सा पार्ट डिलीट कर देते हैं ताकि जो मतलब वो था इसको डिलीट कर देते हैं। एंड करने के बाद आप दोबारा से प्ले करके देखते हैं कैसे एकदम सही टाइम पर मर रहा है मेरे हिसाब से तो। एंड आपका भी जैसे ही सही मरने लगे तो गाइस उसके बाद पीछे वाले पार्ट को डिलीट कर देना है, जो भी सॉन्ग से एक्स्ट्रा निकल रहा हो गाइस ये एंडिंग को भी डिलीट कर देना है, साथ ही साथ एंडिंग को डिलीट करना मत ध्यान भूलना है। एंड गाइस दोबारा से अपन एडजस्ट वाले वो फर्स्ट वाली बीट पर जाकर के एडजस्ट में जाकर के सैचुरेशन को बिल्कुल माइनस कर देंगे। एंड जो फर्स्ट बीट है एंड लास्ट ये जो बीट है वहाँ तक इसको एडजस्ट कर लेंगे। एंड एडजस्ट करने के बाद ये बिल्कुल अपन को देखना पड़ेगा ये कि गाइस यहाँ पर अपन को एकदम ये गन जब तक ड्रॉप कर रहा है अपन को उसी बीट पर आना है उसी टाइम पर। एंड ओवरले को ले लेना है, एक ओवरले है गन वाला AWM का जो कि मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट कर ले लिया है। एंड कटआउट में जा करके क्रोमा की मदद से इसकी इंटेंसिटी को अपन बढ़ा लेते हैं थोड़ा बहुत जितना भी है, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो गाइस इसको दो और नहीं एक करके देखते हैं, एक बिल्कुल सही है। एंड शैडो पर जा करके शैडो बिल्कुल फुल कर देनी है आपको बिना सोचे समझे। एंड गाइस इसको छोटा करके बिल्कुल कैरेक्टर के चेस्ट पर लगा देना या फिर कहीं पर भी अपन आप अपने हिसाब से लगा देना जहाँ पर भी आपको दिखे ना मतलब कि ये जो वीडियो में साफ साफ। एंड गाइस मैंने तो बिल्कुल छोटा करके इसको लगा दिया 90 डिग्री के एंगल पर। एंड ये अब मेरे को सही लग रहा है। एंड यहाँ पर अपन को की फ्रेमिंग करनी पड़ेगी, तो ओवरले पर क्लिक करके ये की फ्रेम ऐड कर देते हैं स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में की फ्रेम अपन को ऐड करना है क्योंकि गाइस अपन की गन उड़ के जानी हुई दिखनी चाहिए, तो गाइस यहाँ पर मैंने की फ्रेमिंग ऐड कर दिया। एंड गाइस लास्ट की फ्रेम ऐड करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक लग जाता है। एंड यहाँ पर अपन को ये की फ्रेम लगाना पड़ेगा ये बीट पर, जो मिड वाली बीट है यहाँ पर अपन को। अब ये जो बीट पर अपन ने की फ्रेम लगाया है इसको बड़ा कर लेना है अपनी जो गन है। एंड बड़ा करने के बाद अपन इसको बिल्कुल हेड पर एम करके बिल्कुल ले लेंगे। आपको भी एकदम एडजस्ट करके ले लेना है जहाँ पर आपका हेड पर एम कर रहा हो। मेरा तो -25 डिग्री आ रहा है, तो आप भी अपने हिसाब से कर लेना है। दोबारा से प्ले करके देखता हूँ ये यहाँ पर गन ने ड्रॉप की ये गन उड़ करके। हाँ अब ये बिल्कुल सही है, अब बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन ये मेरी गन चली जा रही है तुरंत ही। तो अपन को एक और ओवरले ऐड कर लेना है जो कि किल वाला इफेक्ट है। जितने भी ये ओवरले हैं सारी लिंक है इंस्टाग्राम पर, लिंक है चैनल के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से मेरे को मांग लेना हाई लिख करके, ये मटेरियल सेंड कर देना, मेरे मटेरियल चाहिए मतलब ये बोल देना तो मैं मटेरियल सेंड कर दूँगा। एंड उसको भी कट आउट कर लेना है इस वाले ओवरले को क्रोमा की मदद से। एंड यहाँ पर अपन एडजस्ट करके देखते हैं 100 कर देते हैं और इसको भी 100। अब ये बिल्कुल अच्छा लग रहा है जैसा किल इफेक्ट वाला होता है। एंड इसको अपन को स्काई में रख लेना है। अब स्काई में रखने के बाद ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है मेरे हिसाब से, ये जब भी मर रहा है। तो अपन ये छोटा कर देते हैं थोड़ा इसको, क्योंकि गाइस ये ज़्यादा बड़ा बैठ रहता है, तो यहाँ पर अब मेरे को हिसाब से तो ये सही है। आपको ये गन वाला ये PNG इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। एंड यहाँ पर भी आपने ये किल वाला लगाया है, यहाँ पर आपको जाना है एंड पीछे चले जा करके हमारे को चाहिए। अब यहाँ पर ये गन थोड़ी बहुत देर तक रुकना चाहिए। एंड यहाँ पर अपन टेक्स्ट ऐड करेंगे उसी PNG के नीचे किल वाले के, वहाँ पर अपन लिखने हैं 1100 का डैमेज ज़्यादातर आता है। एंड कलर पिक करेंगे अपन थोड़ा सा डार्क रेड। एंड डार्क रेड पिक करने के बाद इसको अपन रखेंगे लेफ्ट साइड में कैरेक्टर की, क्योंकि इस साइड से AWM से शॉट मारा है
तो राइट साइड में आएगा, तो राइट साइड में आएगा सॉरी, अरे लेफ्ट में आएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से तो सही है, लेफ्ट साइड में आ रहा है, बिल्कुल मरेगा, एकदम मस्त लग रहा है। एंड दोबारा से प्ले करके देख लेते हैं अपन शुरुआत से कैसी लग रही है वीडियो। एंड हाँ, इसने लॉल दिखाया यहाँ पर, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर अब अपन को सेचुरेशन जो है इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है फर्स्ट वाली एडजस्ट को, क्योंकि जैसे पहले ही बीट आ रही थी, मेरा थोड़ा पीछे रह गया था इसलिए, तो अपन देखते हैं हमारी बीट आई और ये सेचुरेशन हो गया। हाँ गाइस, बिल्कुल सही बनाए हैं। अब अपन को क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाली क्लिप है उसमें गाइस अपन सेक 3 एनिमेशन डालेंगे, एंड सेक 3 एनिमेशन अच्छा लगेगा। एंड गाइस उसके बाद अपन को ओवरले पर भी एनिमेशन डालना है, जो गन वाला ओवरले है उस पर गाइस अपन रॉक ओरिजेंटल ओवरले डालेंगे, ताकि ये गन है जो पीछे की ओर हिलता हुआ नजर आए, क्योंकि गाइस गन चलता है तो पीछे की ओर ही होता है थोड़ा सा। एंड यहाँ पर अपन ये जो नीचे वाला किल वाला है जो है उसमें एनिमेशन डालेंगे अपन सेक 3 द्वारा से, क्योंकि गाइस सेक 3 डालेंगे तो ये भी थोड़ा सा मतलब जो है हिलेगा, तो 0.1 सेकंड कर देते हैं इसके भी को। एंड उसके बाद करके चेक करते हैं कैसा बनाए, बिल्कुल शुरू से देखते हैं। एंड गाइस वीडियो तो एकदम अच्छा बनाया अपन, स्टार्टिंग में आ जाते हैं। अब इसमें एडजस्ट से इसकी क्वालिटी है वो थोड़ा हाई कर देते हैं, ब्राइटनेस मैं अपने हिसाब से रखूँगा 15, आप भी रख सकते हो अपने हिसाब से। एंड कॉन्ट्रेक्स्ट को सेम ही रखेंगे ब्राइटनेस के बराबर। एंड सेचुरेशन पर जाएंगे, उसको अपन रखेंगे 5 कम से कम, क्योंकि गाइस सेचुरेशन कम ही रखो वही ठीक है। एंड एक्सपोज को अपन बढ़ा देते हैं, ये माइनस मैं कर दूँगा 20। एंड उसका शार्पन हमेशा फुल रखने, आपको HSL में सारे कलर के जो भी सेचुरेशन होते हैं उसको बढ़ा देना, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ये स्काई ब्लू ब्लू पर्पल पिंक, इन गाइस सारे HSL को बढ़ाने के बाद हाईलाइट अपन को कर लेना है, हाईलाइट अपने हिसाब से कर लेना। अब मैंने 13 रखा है, एंड इसको अपन 12 कर देते हैं। एंड ये सब करने के बाद अपन क्वालिटी चेक करते हैं, क्वालिटी तो गाइस बढ़ी है वीडियो में, ज़्यादा उजाला लग रहा है। एंड गाइस ये तो यहीं तक रह गया, इसको नीचे को स्लाइड करते हैं एडजस्ट को, एंड इसमें पूरी वीडियो में लगा देते हैं इस एडजस्ट को और देखते हैं कैसी बनी है भाई। तो गाइस वीडियो तो बिल्कुल मस्त बनी है। एंड उसके बाद अपन ये जो पीछे कर करके थोड़ा सा देख लेते हैं कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं। स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा ब्राइटनेस नहीं आ रही है जो कि मैंने एडजस्ट लगाया था, लेकिन उसकी कोई दिक्कत नहीं, अपन इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं जो भी आपका डिवाइस सपोर्ट करता हो, मेरा तो 1080p सपोर्ट करता है। एंड गाइस आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।